ई विज्ञान का बहुत ही अद्भुत मॉडल अभी तक बनाया गया है। एक खातिर बस आप लोगों के स्टॉप आइट पर गुच्छा लगी और कुछ सेलो टेप लगी। ई लहर का मॉडल बनाए खातिर आपके 3 मीटर की सेलो टेप लगी। ये टेप के पहले आप जमीन पे सुला के रख दें, चिपकल भाई चिपके वाला साइड ऊपर रख के। ऐसे रखने के बाद अपन स्टॉप पाइप का बीच का बिंदु मार्क करके अपने पाइप के ऊपर चिपका दें। आप लोग देख सकेंगे किस तरह हर 2 सेंटीमीटर छोड़ के एक एक गो पाइप यही तरह बीच में लगावत जाए। अब अपने टेप का दोनों अंत का 5 सेंटीमीटर का हिस्सा छोड़ दें ताकि वो अपने हैंडल के जैसे काम करें। ऐसा 80-90 गो डंठी लगा लें। ऐसा कहले के बाद अब टेप के ऊपर से चिपका लें। आप लोग देख सकें जब चिपके वाला सतह नीचे की तरफ आवे। ऐसा चिपकाइले के बाद अब आप लोग देख सकें जाके अपन स्ट्रॉ पाइप 2 गो चिपके वाला पट्टी या सेलो टेप के बीच में लग गई हवे, अच्छा से चिपक गई हवे। आप लोग देख सकें जा हम लोग किस तरह करते हैं जा। ऐसा कहले के बाद अभी बहुत अच्छा से चिपक गई हवे। ऐसा कहले के बाद अब डबल टेप के आप लोग काट लें। आप लोग देख सकें जा किस तरह। ऐसा कहले के बाद अब अपन स्ट्रॉ मॉडल एकदम तैयार हवे। अब सेलो टेप के जमीन से निकाल लें। अब आप लोग ए विद्यार्थी के स्ट्रॉ वेव्स का लड़ी उठावत भइल देख सकत हैं जा। अब एकर दोनों छोर एक दूसरे लोग पकड़ लें और एक तरफ से अगर आप लोग झटका देंगे तो आप लोग देख सकें जा कि दूसरी तरफ जाके वापस आपके तरफ आई, ये रिफ्लेक्ट होके आए लाई वेव्स। अगर आप लोग ये लहर के धीरे से छोड़न जा, हल्का करके टाइट ना रखन जा, तब मारल भइल झटका धीरे से जाके धीरे से रिटर्न आएल। आप लोग देख सके नहीं जा। अगर आप लोग एक टाइट खींच के रखन जा तो ये लहर बहुत तेज भागेला। आप लोग ये दोनों छोर के एक दूसरे की तरफ घुमा के रख देखा जा तो आप लोग ट्रफ मतलब ऊंचाई और निचाई देख सके नहीं जा। आप लोग देख सके नहीं जाए किस तरह ऊपर नीचे हवे। आप लोग ये प्रयोग से वेव के बारे में बहुत कुछ, लहर के बारे में बहुत कुछ जान सके नहीं जा। एहू में आप लोग एक छोर से हल्का सा झटका दें तो वो दूसरे तरफ से टकरा के वापस आपके तरफ आएगा। आप लोग देख सके नहीं जा। इस सस्ता प्रयोग के द्वारा आप लोग वेव या लहर के बारे में बहुत कुछ सीख सके नहीं जा।